और बताइए नेता जी, चाय का पोजीशन क्या था, कैसा लगा चाय आपको? चाय तो देखने में तो बहुत अच्छा था, हाँ, लेकिन पीने में मजा ही कुछ और था। पहले तो चाय वाले ने ठंडा चाय पिलाया, हाँ। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। अरे तो हम लोग देखिए मस्ती कर रहे हैं, बाबू अभी सुबह सुबह उठा है। अच्छा, और हम लिए इसको गोदी, यहाँ पे देख ही सकते हैं ना बाबू कैसे आया, एकदम कंधे पे बैठ गया, आप देख रहे हैं ना। अच्छा, कंधे पे बैठ के पूरा हम मस्ती कर रहे हैं। बाबू क्या कर रहे हो जी? मस्ती कर रहे हो बाबू? क्या खेला खेल रहे? देखिए आज आपको हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। देखिए आज हम सुबह सुबह उठ गया था बाबू और बाबू को लेके और देखिए दोस्तों आप कंधे पे लेके बैठ गए। बाहर का नजारा देखिए इस खिड़की से, पूरा एकदम अभी कुआ पड़ा हुआ है। ये है हमारे किचन का खिड़की और ये है हमारे हस्बैंड जी। और ये बैंड हस्बैंड जानती है नाम क्यों पड़ता है? जिसको बैंड जिसे हमेशा बजाया जाए ना, इसलिए उनका नाम हस्बैंड है। मतलब उनको बैंड बजाया जाएगा ना तो रोएंगे नहीं, हंसी का आवाज निकलता है, जिसे हस्बैंड है। मतलब बैंड बजाओ हंस के। अच्छा बाबू आपका क्या नाम है? बाबू का नाम है अभी नहीं तूफान, इसका नाम नहीं अभी नाम है बाबू का अभी। तूफान मचाता है दिन भर, इतना खाना बना रहा है कि क्या बताए, कभी सिलेंडर पर खाना बना रहा है तो कभी चूल्हे पर बना रहा है तो कभी कहीं बना रहा है, जितना बर्तन है उतना बर्तन ले लेके उसमें आलू प्याज लहसुन मिर्चा सब डाल के खाना बना रहा है। खाने चाय बहुत बना रहा है, बहुत चाय बना रहा है। कैसे चाय बना, कहाँ चाय बना? खाने के लिए पीने के लिए ना चाय मिल रहा है। और दोस्तों देखिए इधर सुबह सुबह में बनिया खा पी के नाश्ता वगैरह लेके चली गई है सब, उसके बाद रोटी चाय सब वगैरह सब कुछ बन गया है। अब लास्ट में चावल रखी हूँ। और इधर देखिए दोस्तों ठंडी का ये निमोना वाला दाल, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी बाबू जगा है तो उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रहे हैं ये। अब इसके बाद जाएंगे ये भी अपना ब्रश वगैरह करके नहा धो के डेली की तरह अपने दुकान के लिए निकल जाएंगे। बाबू को जानते हैं सुबह सुबह जब खिलाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि दिन में बहुत डिस्टर्ब करता रहता है। अभी सोफे उठा है तो हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा खिला ले, उसके बाद नहाएंगे। अब नहाने के लिए, नहाने के बाद अब चलेंगे, अब तैयार होंगे फिर निकलेंगे दुकान के लिए। तू मूला जाएगा? मेरा चलेगा बाबू मिला। इनके दुकान पे चले जाने के बाद बोलता है मम्मी पापा मूला, मम्मी पापा मूला। बाबू जाएगा मेला, फिर उसके बाद करो मम्मी पापा। और दोस्तों देखिए हम लोग का घर थोड़ा बरसात में खराब हो गया है, अब इसको डेंट पेंट करवाना है किचन का। अब लगेगा काम जल्दी है, थोड़ा और मतलब मौसम सही हो जाए तो घर का डेंट पेंट का काम लगेगा। देखिए दोस्तों आज हम लोगों का बहुत दिन से मूड हुआ था, नेताजी आए थे कहे कि थोड़ा चाय पी लिया जाए, और चाय पीने के लिए गए हैं तो चलते हैं वहाँ पे चाय पी के देखते हैं क्या पोजीशन है, और जैसा ही पोजीशन होता है फिर बताते हैं। नेताजी चलिए चाय पी लीजिए, हाँ आइए देखिए हम लोग चलते हैं चाय पीने के लिए, और चाय पी के आते हैं और फिर बताते हैं कि चाय का पोजीशन क्या है। अच्छा है, लोग थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं अभी, हालांकि गाड़ी वाड़ी तो चल रही है लेकिन मौसम थोड़ा अभी ठीक ठाक है। चलिए चाय वो पीते हैं और चाय पी के देखते हैं क्या पोजीशन है। विजय भाई चलना है चाय पीने? विजय भाई चाय नहीं पीते हैं तो खाना खाते हैं। जी चाय का परफॉर्मेंस बताइए कैसा? चाय तो इतना गरम था, हाँ, कि दिल ही जल गया। अच्छा दिल जल गया, गाना जलने वाला था, गाना जलने वाला था लेकिन चाय ठंडी थी। देखिए चाय तो आप डबल चाय पिए हैं, ठंडी वाली चाय और गर्म चाय दोनों चाय पिए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए विजय भाई, कहो विजय भाई, अरे का हाल बता ना ही ना पिए जानते हैं नेताजी, ये चाय नहीं पीते हैं, ये केवल खाना पीते हैं। और बताइए नेताजी चाय का पोजीशन क्या था, कैसा लगा चाय आपको? चाय तो देखने में तो बहुत अच्छा था, हाँ,
लेकिन पीने में मजा ही कुछ और था। पहले तो चाय वाले ने ठंडा चाय पिलाया, लेकिन बाद में गर्म चाय पिलाया। अब दोनों का रिएक्शन देखते होता है कि नहीं। हाँ होगा होगा, झबड़ाइए मत देखिए। विजय भाई बेचारे लगे हैं काम में, फोटो बनाने में जल्दी भेजा हो का हो विजय, फोटो कुल का हो देखो सांवरिया देवी। अरे नेताजी, नेताजी के आई पोस्ट देखिए, वाह क्या लाजवाब पोस्ट है, गम वाला गाना चाय पी रहे थे और गम वाला पोस्ट कर दिए। अभी तो जिंदा हो तो जी लेने दो, थोड़ी कम हुई है तो कम से कम चाय तो पी। अच्छा अच्छा पीजिए पीजिए, चाय पीजिए ठंडा पीजिए।